आ गई। भेज दो। वेलकम सीमा, वेलकम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रोट लाइन। यस सर। वेल डन सीमा, वेल डन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूं मैं। इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ मेरे कदमों में है। बोलो सीमा, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे डैडी। अरे तुम्हारे डैडी बहुत मजे में। ये क्या है? मेरे साथ धोखा, गद्दारी। जानती हो मेरे साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है? मौत, सिर्फ मौत। बॉस, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। गद्दारी तो इन दोनों ने की है। इन दोनों पर वासना का भूत सवार था। ये दोनों मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर भागी और दूसरे कंपार्टमेंट में चल गई। शायद ये सूटकेस वहीं बदल गया होगा, क्योंकि वहां भी ऐसा ही सूटकेस था। क्यों हराम साधो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम्हें इसलिए भेजा था मैंने वहां? हम लोगों से भूल हो गई बॉस। तुम्हारी इस भूल की बड़ी सख्त सजा मिलेगी तुम्हें। दूर हो जाओ यहां से। डाउन। मेरे साथ गद्दारी करने का यही अंजाम होता है। सीमा, तुम जानती हो कि वो लोग कौन हैं और कहां ठहरे होंगे? शायद वो लोग बॉम्बे आ रहे थे। इसका मतलब यह है कि वो किसी होटल में ठहरे होंगे। सुनो, तुम सीमा के साथ जाओ और बंबई का हर होटल छान मारो। मुझे वो दोनों किसी भी हालत में चाहिए, समझे? जाओ। अबे ओ चिनप्पा, आई आई हो? ये सुबह सुबह काय को गला पारता है जी? मेरा सूटकेस कहाँ है? वो क्या पड़ा है जी? इसमें तो सिर्फ काला कोट है।
अयो रामा काला कोट मालूम होता है पेरी को तुम्हारा सूटकेस बहुत पसंद आ गया जी, इसके वास्ते वो साथ में लेके गया जी। लेकिन मैं पहनूंगा क्या? पेरी ने जादू से तुम्हारे कपड़ों को काला कोट बना दिया जी। काला कोट तुम पहनेगा, ब्लैक ग्रीन वेरी गुड मैच। व्हाट नॉनसेंस, मेरा कबाड़ा हो गया और तुम मजाक कर रहे हो? आइयो, इतना काय को गर्म होता है जी, काय को इतना गुस्सा करता है जी। मार्केट में जाएंगे, नए कपड़े लाएंगे। ओ, सूटकेस में कोट, कोट में डायरी, क्या रहे वो? मिस सीमा शांति विला 77 डाई, आपने इस एड्रेस पे जाएगा। अगर तुम्हारा फेरी जेनुइन होएगा तो तुम्हारा कपड़ा मिलेगा जी। ठीक है, चलो चलते हैं। वांग सर, वांग वांग। उत्तर जी। किसको चाहिए? सीमा देवी अंदर है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील है। उनसे कहिए ट्रेन में मेरा सूटकेस उनके सूटकेस से बदल गया था। आइए आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े? चलो जी, चलो। आओ अंदर आओ। क्या जी, बैग लाओ, ये बैग मुझे दे दो, मैं उनको दे दूँ। नहीं नहीं नहीं, बैग मैं उनको ही दूंगा। देता है क्या? नहीं। आइए टकलू तेरे से। आइए अरे टकलू, हाथ दे। आइए 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 आइए, पकड़ मत जी। सबको बंद कर दिए जी। डिंग 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 डिंग, अब तुम बंद। डिंग 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 डिंग, हम तुम करो जी। डिंग 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 डिंग, जल्दी चलो जी, भागो जी, भागो, भागो जी, जल्दी भागो जी, पीछे पड़ गया जी, माटी मिला। अयो ये तो हम तो ओलंपिक कर रहे हैं, उसमें भागा था जी, भागो जी। अयो तू उधर जा, भागो, तुम उधर जा। अयो मुर्गा, किधर चुपू, किधर चुपू जी। हाँ यह ठीक है जी। उधर किधर जाते जी, हम इधर आए जी। आ जी, आ पीछे, आ जी, आ जी। अरे मेलिया, ऐसे कैसे केला खाता रे? अयो अम्मा, आम केला नहीं खाते जी, केला आप हमारे मुंह में जाते जी। अच्छा, पैसे निकाल अम्मा। फिर अम्मा, तू जा मुर्दा बसिवला, पहले पैसे निकाल। अयो अम्मा, कैसा दिया जी? क्या? केला, केला। हाँ, 4 रुपया डजन। बहुत अच्छा दिया जी। हाँ, ताजा देना जी, 2 डजन केला। अरे घुस तो पड़े, दूर देता है, देता है। हाँ ये ले, 1 डजन और ये 2 डजन। पैसा निकाल। पैसा? पैसा देते है जी, एकदम बड़ा नोट देगा, ये लो बड़ा नोट। अरे मेलिया, सुट्टा कुड़ना नार। एक मिनट थोड़ा ब्रेक मारो जी, ये मेलिया मेलिया तुम मेरे को क्या बोलते है जी? मेलिया? मेलिया मतलब तुम 100 वर्ष जिंदा रहना। 100? हंड्रेड ईयर लाइफ, वेरी गुड वेरी गुड। ये लो जी। अरे सुट्टा कुड़ना। सुट्टा? ओ सामने से लो जी, वो है चुट्टा।
अच्छा ला, पता नहीं कहाँ से ये बड़ा बड़ा नोट लेकर आ जाता है। बड़ा नोट छोटा नोट घर का बात है बेटा, खेल कहा बेटा। आयो कोट, आयो अरे हा मेला कुठे मेला पाय दिसतात मुंडक कुठे अरे ए मेला बारा अयो अम्मा तुम्हारा नाम क्या जी अम्मा नहीं सोनिया 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 हाँ 18 क्रेड गोल्ड नहीं 100 क्रेड गोल्ड हाँ वेरी गुड गोल्ड अम्मा तुम धंधा इधर ही करते क्या जी हाँ इधर ही करते ने तो और किधर करेगा ये लो तुम्हारा सुटका अम्मा अम्मा ये तुम नोट को घड़ी करके अपने पास रखो जी अभी हम अपने आप को घड़ी करके जाते हैं हम बहुत गाय में है जी गाय में है जी अरे लेकिन तुम्हारा पैसा गाय में ले लो का गाय में आते और गाय में जाते गाय 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 ओ चिनप्पा वेयर आर यू नानुरु मुटाड़ेंगे नानु मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था वो बैग कहाँ है बैग अयो वो बैग को मैं रोड पर फेंक दिया जी क्या और वो कोट ओ कोट वो कोट केले वाले की टोकरी में हम जा नहीं सकता है जी इसके वास्ते मैं वो कोट केले वाले की टोकरी में डाल दिया जी केले वाले की टोकरी में आमा पागल हो गया क्या वो मामूली कोट नहीं है हमको मालूम है जी मालूम है वो कोई मामूली कोट नहीं है वो एक कोर्ट के वास्ते गुंडा लोग फाइटिंग 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 करते हैं जी ये जरूर कोई बात है जी बात नहीं जबरदस्त राज है सीक्रेट ये कौन सा सीक्रेट है जी वो तो कोर्ट मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा चलो कोर्ट लेकर आमा अबे अयो हम आता है जी उल्टा काय को किसता जी प्रियतम मा प्रियतम मा प्रियतम मा गुड मॉर्निंग मॉर्निंग If there any messages for me, कहाँ जा रहा है? Dolly. Dolly. कहाँ Dolly? Miss Dolly, अम्मा. I'm Mr. Polly. Dolly. केले वाली. कोट ले आना है. Dolly. चार. Dolly. Dolly. चार रुपए दर्जन केला. केला ले लो केला. अरे सर, तुम आ गए? अम्मा. ये लो तुम्हारा छुट्टा. हमको और केले चाहिए. हाँ? कितना चाहिए पूरी टोकरी अक्का भाई पूरी टोकरी चाहिए अम्मा लेकिन कहाँ मिलेगा अम्मा हमको तेरा अक्का का अक्का पार्टी मांगता ए मेलिया हम केला बेचता है पार्टी नहीं हम आपकी टोकरी 5 मिनट में वापस कर देंगे तुम बोलता है तो ले जाओ लेकिन वापस करना हाँ मैं बोला पार्टी नहीं दिया ये चिकना बोला हाँ बोला चलो चलो उठाओ पार्टी अरे जा जा तेरे जैसे आदमी पुष्कर बगितले अयो अयो इसीलिए तो कहता था उल्टी सीधी हरकतें मत करो केले वाली की टोकरी में डाल दिया उठा अयो ये मेरा मास्टर ब्रेन है जी देखो कोट कितना सेफ है पकड़ो थैंक गॉड थैंक गॉड सामी ये बहुत भारी है जी भारी है हां उठाओ तुम उठाओ तुम उठाओ जी तुम उठाओ हम उठाते जी काले बिले गुस्सा करते हैं जी गर्म होते हैं अब स्वामी तुम मेरे को उठाओ जी उठाओ स्वामी आयो सोना जी मेरे सोना केले के पार्टी बहुत भारी थी ऊपर केला नीचे केला चारों तरफ केला मैं है केला अरे केला नहीं लिया अम्मा तुम्हारा केला अच्छा नहीं जी क्या लानत है तुम सब पर इतने आदमी होते हुए तुम उन दो आदमियों से कोर्ट नहीं छीन पा बॉस बोलो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए तुम सब के सब निकम्मे हो अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन उन दो आदमियों का पता चलाओ वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं गेट आउट सीमा तुम भी इनके साथ जाओ यस मैडम क्या चाहिए एक थम्स अप लाना ओके लेडीज एंड जेंटलमैन
लीजिए, अब आपके सामने रंगीन प्रोग्राम लेकर आ रही हैं मिस डॉली। आइए आइए। ये रहा आपका सूटकेस। मेरा सूटकेस कहाँ है? आइए आइए, आपका सूटकेस आपको मिल जाएगा। कहिए आपकी क्या खातिर की जाए।
खातिर बस इतनी कीजिए, पहले मुझे मेरा सूटकेस तो वापस कर दीजिए। वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ पीजिए पिलाइए तो सही। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में पी लूंगी। तो दोबारा मिलने का वादा रहा? जी नहीं, एक मुलाकात में इतनी मुसीबत आ गई, दूसरी मुलाकात में न जाने कौन सी मुसीबत आएगी। लेकिन आप मिलेंगी जरूर। सूटकेस? हाँ, मगर सूटकेस नहीं मिलेगा। सूटकेस नहीं, मुझे कोट चाहिए। करेक्ट। डाय। आइयो अम्मा, आप बैठेंगे नहीं जी? मेरे पास बैठने के लिए वक्त नहीं। मेरे पास बैठने के लिए वक्त नहीं? आइयो अम्मा, वेरी बिजी जी। आपका कोट। थैंक यू। सूटकेस? हाँ। आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। इस कोट में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप और आपके साथी इतने परेशान हैं? इसमें किसी की जिंदगी छुपी हुई है। हाँ, तो वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट कोट है। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनिए, अब फिर कब मिलेंगे? भगवान ना करे दोबारा हो। मुलाकात तो होती ही रहेगी। दाई, तुम कैसा आदमी है जी? कोट काय को दिया? क्यों? इतना मुसीबत से कोट लाया और तुम कोट दे दिया। ब्यूटीफुल चौकरी को देख के तुम्हारा दिल गार्डन 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 हो गया। चिन्नप्पा, तुम अभी बच्चे हो चिन्नप्पा। दाई, हम तुम भी नहीं है जी, हम बच्चे नहीं है जी। हम दिल्ली में शादी करने वाला था, हम दो हमारे दो बच्चे पैदा करने वाला था, लेकिन तुम मेरे को बम्बई लाया घुमाने के वास्ते। इधर गुंडा लोग से दिश्यों, दिश्यों, दिश्यों। चिनप्पा चल। पड़ा चिनप्पा वांगो। पड़ा चिनप्पा वांगो। पड़ा चिनप्पा वांगो। पड़ा पड़ा। अयो, अब चलते जी। ये क्या है? कोट है जी। कौन सा कोट है? काला कोट है जी। मैंने सीमा को नकली कोट दिया, ये असली कोट है। असली कोट? अयो, तुम बिग फ्रॉड। डाय डाय डाय। बॉस, ये रहा आपका कोट। वेरी गुड, फैंटास्टिक सीमा, मुझे पूरा यकीन था कि ये काम तुम कर सकती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू सीमा, लेट्स सेलिब्रेट। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब आप अपना वादा पूरा कर दीजिए। हाँ बोलो सीमा, क्या चाहती हो? मेरे डैडी को छोड़ दीजिए। उन्हें कैद किसने किया है? वो आजाद हैं, खा पी रहे हैं, बिल्कुल मजे में। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिल लेना फुर्सत से, इतनी जल्दी क्या? अपने डैडी से मिलने के लिए मुझे हमेशा फुर्सत है। अभी फुर्सत कहाँ है, अभी तो तुम्हें दो काम और करने हैं। दो नहीं, मैं आपके 10 काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे डैडी को छोड़ दीजिए, भगवान के लिए उन्हें आजाद कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पिंजरे से निकला पंछी दोबारा पिंजरे में आने की गलती कभी नहीं करता। चल रही है, पता असली कोट कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। बाय गॉड, मुझे नहीं मालूम। फिर किसको मालूम है? मालूम होता है, कोट उन दो नौजवानों ने बदल लिया है। तुम सच कर रही हो? यस बॉस। ये नौजवान कुछ ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर। उनका कमरा नंबर क्या है? 302। अरे भाया, इतनी देर से खड़ा है, सारा बस नहीं आता। फोन पड़ा है? अरे पड़ा नहीं, खड़ा है, खड़ा है। हाँ अरे बाबा, तो खड़े रहो ना, बस आता भी है तो कंडक्टर घंटी मार कर ले जाता है।
खड़े का खड़े रह जाता है। साले का दादागिरी है क्या? दादागिरी है, दादागिरी है, क्या करेगा? अंधेर कर दी है, अंधेर कर दी है। देखो अभी तक बस नहीं आया, गर्मी में खड़ा है, उसके बाप का क्या जाता है? हाँ साईं, वो क्या है ना, बस का इंतजार करता है, टैक्सी आता है, टैक्सी का इंतजार करता है, बस आता है, जरूर आता है, सब गड़बड़ है। अरे अरे देखो, हमारा पॉकेट लेकर भागा। पॉकेट तो है साईं, तुम्हारा नहीं, हमारा पॉकेट लेकर भागा। अरे गिर गया, अरे गिर गया, अरे गिर गया। अरे उठा, अरे अरे मोटा उठो, अरे जल्दी उठो, अरे मोटा जल्दी उठो। माफ करना भाई साहब, अपन के मोहल्ले में अपन से दादागिरी? तू कौन होता है दादागिरी करने वाला? ला मेरा पॉकेट। बताओ कौन होता हूँ? अरे बताना, डरता कौन है? डरता नहीं है। अरे जा जा, तेरे जैसा दादा अपने बहुत देखेला है। आई अपन के हाथ में जरा सा मार लग रहा ना, इसलिए तूने मेरा पॉकेट छीना। तेरा नाम क्या है? अपन का नाम, अपन का नाम बड़ा दाजू है क्या? नंदू पहलवान। पहलवान? वो तो तेरे शक्ल से दिख रहा पहलवान, तू पहलवान किधर से? अरे अपन अपने धंधे में पहलवान है। पहलवान? अपन के मोहल्ले में धंधा करना है तो अपन को भागी देना होगी। वो तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कर, आज तू ये ले जा, कल से धंधा करोगे तो अपने को भागी देना। Yes, what can I do for you? कमरा नंबर 10 के साहब कमरे में है कि नहीं? Oh, I'm sorry. वो लोग तो कमरा खाली करके चले गए। कहाँ गए वो लोग? आप कुछ बता सकते हैं कि नहीं? मालूम नहीं साहब। कान खोल कर सुन लो जी, अभी अपन से कुछ काम नहीं होएगा। हम इधर आया था बंबई घूमने के वास्ते, गोरी 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 मंदाकिनी को देखने के वास्ते, लेकिन तुम हमको इधर काला कोट के मुसीबत में फंसा दिया जी। अबे मुटाल, ये मुसीबत नहीं है, यही तो हमारी जिंदगी है। हमको ये लाइफ नहीं मांगते है जी, ये सारा प्रॉब्लम ये काला कोट क्रिएट किया जी। भाई अभी मैं तेरे को कपाट के अंदर से बाहर निकाल के खिड़की के बाहर फेंकता हूँ रे। दाई तारे तारे तू देखता, मैं देखता हूँ तेरे को। चुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा दिल मरक। दाई काला कोट, अब मैं तेरे को बाहर फेंकता हूँ रे। चल रहे माटी में। छोड़ छोड़ मेरे को, क्या कर रहा है? बहुत खराब। छोड़ छोड़ तू, छोड़ दे मेरा गुस्सा, बहुत खराब। मैं नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अयो अयो, ये सब क्या है जी? ये एक नक्शा है, लेकिन है कोड वर्ड। अब मेरे कोपड़ी में बात आया, ये सब ये मैप का मेहरबानी है जी। फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, ये किस चीज का है जी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये किधर मैकेनिज गोल्ड, ये खजाने का चक्कर तो नहीं है जी? हो सकता है। ऐसा होएगा तो बड़ा मजा आएगा जी। अब तो इस नक्शे के राज को जानना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा जी। तुम ऐसा करो, इस मैप को उस कोर्ट में उसी तरह सीधो जिस तरह ये था। क्या? अब तक वो लोग हम दोनों को ढूंढ रहे थे, अब इस कोर्ट के जरिए हम उन लोगों को ढूंढेंगे कि आखिर मामला क्या है। मामला क्या है? मामला क्या है?
ஐயோ முருகன் ரொம்ப தேங்க்ஸ். பாஸ், வோ தோனோ தோ ஹோட்டல் சோட்கர் சலே கே. கா சலே கே? वो लोग बंबई घूमने आए हैं, यहां से इतनी जल्दी नहीं जा सकते। शहर का कोना कोना छान मारो, हर होटल हर स्पॉट पर पूरी तरह नजर रखो। जी बॉस। जा। सीमा, तुम बहुत खूबसूरत हो, हसीन हो, जवान हो, अपने हुस्न के जाल में किसी तरह भी उन्हें फंसा कर वो कोट हासिल कर लो। मुझे हर हालत में वो कोट चाहिए, वरना कितने जी बम्बई का बेलपुरी काय को धक्का मारता है जी? माफ करना भाई साहब, माफ करना भाई साहब, हम उधर बेलपुरी खाने को जाता, तुम हमको धक्का मारता है। अरे मुसीबत के बच्चे, जरा जोर से मत। अरे नमस्ते दादा। अरे आओ नंदू आओ, इतने दिन कहाँ रहा? अरे कहाँ रहूंगा दादा, यूं ही जरा धंधे पानी में लगा हुआ था। ये धंधा तेरे को अच्छा नहीं लगता है, दूसरा धंधा काहे को नहीं करता है? दादा अगर अपन अकेला होता ना तो कैसे भी गुजारा कर लेता, बीमार बाप का ख्याल रखना पड़ता है, उसे कैसे छोड़ दूं? अरे आज कुछ धंधा पानी हुआ कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ, उम्मीद है शाम तक हो जाएगा। अरे माल तो अपन को देने का था, उल्टा तुम दे रहे हो, कोई बात नहीं। अरे क्या बात है, कुछ मत सोच, जब कभी धंधा हो तो दे देना। अरे हाँ एक बटवा मिला था, साला वो भी खाली है। अच्छा दादा अपन चलता है, फिर मिलेंगे। हाँ अरे मुसीबत देख तो इसमें क्या लिखा है। अरे दादा अपन पढ़ेला लिखेला होता तो ये धंधा काय को करता? हाँ तू भी ठीक ही बोलता है। कितना पैसा हुआ जी? सिर्फ 8 रुपए साहब। सिर्फ 8 रुपए? हाँ। अब भी देते हैं जी। क्या हुआ साहब? आमर मारा जी, पर थैंक्स। ये लीजिए तुम रख लो। लाओ ये कोट हमारे हवाले कर दो। क्यों? ये कोट हमारा है। तुम्हारे बाप का है क्या? अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप ये कोट हमारे हवाले कर दो, वरना अयो नहीं तो क्या तुम गोली मार देगा क्या जी? हाँ गोली मार दूंगा। अयो बोले मामा ये कोट इनको दे दो। तुम ठीक कहते हो, ये कोट इनको दे ही देना चाहिए। लो Hey,
डिंग 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 अयो अयो मप्पुदाई 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 अडा डा 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 अयो चेकन चेकन से टकरा ये अरे क्या भागम भाग लगा रखी है कौन हो तुम हम आदमी हैं जी हम बॉम्बे घूमने के लिए आए हैं और कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए हैं वो लोग हमारा गला दबाकर हमको क्लास करने को चाहते हैं जी बचा लो हमको बचा लो जी बचा अरे वो लोग तुम्हारे पीछे काहे को पड़ेला है समझ में नहीं आता क्या बात है शायद हमें लूटना चाहते हैं अरे उनका बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तुम लोग दादा की बस्ती में हो अपन देखता है कौन साला तुमको हाथ लगाता है दादा 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 अबे कौन है तू ये आदमी अपने को मांगता है अरे ये लोग क्या तुम्हारा बाप इनको लेने को आया अबे मुंह संभाल के बात कर अबे हराम ज़ादे दादा की बस्ती में दादा से दादा गिरी
भाग गए सब साले, आए थे दादागिरी करने। कौन छुपा हुआ अंदर? बाहर निकल नहीं तो चाकू से मार दूंगा। आती हूँ। अरे सारे सलीम तो भाग गए, ये अनारकली क्या कर रही है यहाँ? चाल दादा अनारकली। अनारकली कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? मैं एक मुसीबत ज्यादा लड़की हूँ, इन बदमाशों की चुंगल में फंस गई हूँ। गुंडा लोग जो अभी यहाँ मारा मारी करने आए थे? जी हाँ। घबराओ नहीं बहन, वो लोग अब तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बहन, जब अपन को याद करेगा अपन हाजिर हो जाएगा। अच्छा। अरे ओ मुसीबत, वो दोनों सलीम कहाँ गए? अरे वो भी किसी अनारकली को ढूंढ रहे होंगे दादा। तू ठीक ही कहता है, तुम सबको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। संडे मुसंडे हो, मामूली आदमियों से मार खाकर आता है, लाना था तुम सब पर। कोर्ट तो हम लेकर ही आते हुजूर, ना जाने वो दादा कहां से अटपका। भगो मत, मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो लोग तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर चले गए और तुम लोग देखते ही रह गए। उन लोग के पटो बॉस, मजबूरी, बहुत मजबूरी थी। मेरी डिक्शनरी में मजबूरी नाम का कोई लफ्ज नहीं। याद रखो, अगर दो दिन के अंदर अंदर कोर्ट यहाँ नहीं पहुंचा तो तुम सबके सब जहन्नुम पहुंचा दिए जाओगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सुनो जी, सीमा तुम लोगों के साथ थी, कहां गई? थी तो बहुत, न जाने कहां चली गई। सुनो, वो काला कोट जरूर दादा की बस्ती में होगा, जाओ और वहां पर कड़ी नजर रखो। जाओ। कहां गई थी? नंदू। ओ नंदू बेटा। हाँ बाबा। खाना पक गया? नहीं बाबा, थोड़ी देर है। जब पक जाए तो बता देना, बड़ी भूख लगी है। अच्छा बाबा। नंदू, ओ नंदू पहलवान। देख तू बेटा, बाहर कौन आया है? लगता है दादा आया है। हाँ। अरे दादा तुम यहाँ कहाँ से आए, और ये कोट कहाँ से उठा के लेके आए? अरे उठा नहीं लाया है, आ गया है, न जाने कौन साला अपन के झोपड़े में धर गया। अच्छा चलो अंदर बैठते हैं। अरे नहीं नहीं, अपन को आज बहुत काम है, अखा पार्टी का अपन को इंतजाम करना है। खाली तेरे को बोलने को आई ला। मेरे को बुलाने को आया? पार्टी कहाँ है? अपन लोग के बस्ती में अपन लोग का एक मुन्नी खाला है, जगत खाला, उसका लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास किया लाए, ये पार्टी उसी के तरफ से है। रात का खाना भी है और कव्वाली भी है। कव्वाली भी है? अपन जरूर आएगा। जरूर आना। हाँ दादा एक बात बोलूं? बोल बोल बोल। दादा तेरे पे ये कोट बहुत जचता है। सच? ले ये तू पहन ले। काहे को निकालता? ले ये कोट तू पहन ले। अरे नहीं नहीं दादा, नहीं, 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 नहीं। क्या करता है, पहन ले। नहीं ना, अपन तो साला कभी कोट पहना ही नहीं। कभी नहीं पहना तो अभी पहनना पड़ेगा। अरे नहीं, नहीं अपन का बदन कैसा कैसा लगता है, तू पहनेगा तो अच्छा लगेगा, समझा? अभी हम जाता हाँ, जाना जरूर। हाँ आना जरूर आएगा। हाँ कौन था? दादा था। दादा चला गया? हाँ। हाँ अरे पगली, बाहर से बाहर चला गया, उसे अंदर बुला लेना चाहिए था, उसे भी कुछ खिला पिला देना चाहिए था। बाबा वो जरा जल्दी में था, रात के खाने की और कव्वाली की दावत देने आया था। कव्वाली? कहाँ है कव्वाली? वो बस्ती है ना, वहाँ पे मुन्नी खाला रहती हैं, उनके घर। अच्छा अच्छा, ये क्या है? कोट दादा ने दिया। दादा ने दिया? हाँ। ये तो कोई भारी दाम का मालूम होता है। पता नहीं, इसे संभाल कर रखना। अच्छा।
इसे मैं जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। बाबा तुम्हें भूख लग गई होगी ना, मैं अभी खाना लाता हूँ। तड़पा के वो भी तड़पे हैं, इसका मलाल है। तड़पा के वो भी तड़पे हैं, इसका मलाल है। तड़पा के वो भी तड़पे हैं, इसका मलाल है। तड़पा के वो भी तड़पे हैं, इसका मलाल है। जो मेरा हाल था वही अब उनका हाल है। उनका हाल है। तड़पा के वो भी तड़पे हैं, इसका मलाल है। तड़पा के वो भी तड़पे हैं, इसका मलाल है। ये सवाल है।
चल यार तेरे को घर छोड़ देता हूँ। तुम जाओ, अपुन चला जाएगा। अरे रात जास्ती हो गई नहीं है, तू अकेले कैसे जाएगा? तुम चिंता मत करो, अपुन चला जाएगा, अपुन छोकरी थोड़ी है। अरे काश अगर तू छोकरी होती तो अपन तेरे साथ शादी जरूर बना लेता। हाँ अरे कौन है बे तू? हमें इतनी जल्दी भूल गए? हाँ अच्छा तो तुम हो, आज फिर बॉडी रिपेयर करवानी है क्या? बॉडी तो तुम्हारी रिपेयर होगी आज, चल उतार ये कोट। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये कोट तेरे बाप का है। तू कोट उतारता है क्या नहीं? देख रात जास्ती हो रेला है, अपन को घर जाना है, काय को खाली पीले लफड़ा कर रेला है। तू घर जा या जानम, अपने को ये कोट चाहिए क्या? उतार लो ये कोट। क्या देख रहा हूँ, छोकरा से छोकरी, कहीं पानी का करिश्मा तो नहीं? नहीं अपन का तो सब ठीक है मेरे मालिक, थैंक यू। दादा पहले मुझे पानी से बाहर तो निकालो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरपन तेरे को यह नाटक करने की जरूरत क्या थी? पहले पानी से तो निकालो फिर बताती हूँ। क्या ठंडी लग रही है? हाँ। अरे ला मैं तेरी मालिश कर दूं। बस दादा बस, क्यों मेरी जान निकाल रहे हो? जान निकाल नहीं रहा हूँ, जान डाल रहा हूँ। तुम अपनी मालिश वालिश बंद करो, मुझे तकलीफ होती है। तू नंदू से नंदी बन गई, इसलिए तो तकलीफ नहीं होती? मैं तो थी ही नंदी। अच्छा ये तो बता, तेरे को ये सब नाटक करने की जरूरत क्या थी? ये नाटक नहीं, मजबूरी थी। काहे की मजबूरी? इस दुनिया में एक अकेली लड़की को कौन इज्जत से जीने देता है, इसलिए सब करना पड़ा। नौकरी कहीं मिलती न थी, अगर मिली भी तो हरामियों की नीयत खराब। नौकरी क्या मांगती हो रानी, दिलो जान मांगो, तुम्हारे लिए सब हाजिर है। अब तुम ही बताओ ऐसी हालत में मैं क्या करती, बूढ़े और लंगड़े बाप को क्या खिलाती? इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नंदी बनकर नहीं नंदू बनकर काम करूंगी। हाँ मगर ये धंधा लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या लड़कों के लिए अच्छा है? अच्छा तो किसी के लिए नहीं है, कोई मजबूरी से करता है और किसी को मजबूर किया जाता है। मैं भी मजबूर थी,
नहीं तो ऐसा काम कभी नहीं करती। लेकिन तुम अब ऐसा नहीं करोगी। क्यों? कहीं तुमको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मैं तुझसे प्यार करूं? मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है। क्यों? थोड़ी देर पहले तुम ही तो कह रहे थे कि अगर तुम लड़की होती तो मैं तुझसे शादी कर लेता। वो तो यूं ही बोल दिया था। अपन को क्या मालूम था तू नंदू से नंदी बनेगी। अब तो बन गई। अब क्या इरादा है? तूने आईने में अपनी शक्ल देखी है? क्या हुआ मेरी शक्ल को? क्या अच्छी नहीं है? तू हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलते हो, बोलो ना। तू बड़ी सुंदर है। कमीने, देशद्रोही गद्दार। तो अभी तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया प्रोफेसर? मेरा कहा मानो, माला माल कर दूंगा, सारी जिंदगी ऐश करोगे। तू है तुझ पर तेरी दौलत। मैं पैसे के खातिर अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। देश 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 क्या रखा है इस देश में? दुनिया में ऐसे भी ज्यादा खूबसूरत देश है। मैं तो कहता हूँ कि दौलत कमाओ और स्वर्ग जैसे दूसरे देशों में जिंदगी के मजे लूटो। ये तुम जैसे गद्दारों का काम है। प्रोफेसर, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ आदमी मालूम होते हो। खैर, तुम्हें दौलत ना चाहिए ना सही, लेकिन मुझे फॉर्मूला चाहिए। मैंने कितनी मरता कहा है मुझे फॉर्मूला याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। तुम झूठ बोलते हो प्रोफेसर। झूठ बोलना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और झूठ बोलने का अंजाम क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मौत यही ना? लेकिन तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी सीमा की मौत, जिसकी याद में तड़प तड़प कर तुम सारी जिंदगी मरते रहोगे। जलील कमीने, बता बता कहाँ है मेरी बेटी सीमा? कहाँ छुपा रखा है उसे? बता देंगे बता देंगे, लेकिन फॉर्मूला मिलने के बाद। ये हरगिज़ नहीं होगा। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? याद रख, मैं तेरा ये इरादा हरगिज़ पूरा नहीं होने दूंगा। सोच लो प्रोफेसर, अपने बुढ़ापे के बारे में और अपनी बेटी की सलामती के बारे में। मैं फिर आऊंगा। गुड डे। आज से तू नंदू वंदू कुछ नहीं बनेगी। क्यों? आज से तेरा पॉकेट मारी का धंधा नहीं बंद। मैं खाऊंगी क्या? बाबा को क्या खिलाऊंगी? अरे पगली, अपन जो है आज से तेरे तेरे बाबा का खर्चा अपन उठाएगा। तुम उठाओगे? अरे इसमें हैरानी की क्या बात है, आज से दोनों बाप बेटी अपन के झोपड़े में रहेगा। अपन का दिल भी बड़ा, झोपड़ा भी। ना बाबा ना, मेरे को तो मेरा घर ही अच्छा लगता है। अरे पगली, एक दिन तेरे को तो मेरे घर आना ही है ना। बोलती नहीं, शर्मा रही है क्या? शादी नहीं बनाएगी अपन के साथ? तब की बात दूसरी है। अरे जब के तब क्या करती है, अभी से आके रह जा, शादी तो होगी। जरा सुनो जी। आयो अम्मा। क्या बोला? तमिल तेरे माँ तमिल नहीं मालूम? अमर इधर लड़की को अम्मा बोलते जी। आयो हमको पत्ता मांगते जी। किसका पत्ता मांगता है? वो सोनिया है ना जी, केला वाली, उसके पत्ता मांगते जी। अच्छा, तुमको सोनिया मांगता है? आमा, वो किधर मिलेगा जी? वो आगे जाके तीन घर छोड़ के चौथा घर है ना, वही घर सोनिया का है। हाँ, थैंक यू वेरी मच अम्मा ने।
थैंक यू वेरी मच। रंड मुंड नाल ये देव नो रिस्पांस। अंदर कौन है जी? बाहर कौन है जी? अंदर कौन है जी? अरे साहब तुम बाहर क्यों खड़े रह लगे? अरे तुम अंदर रहेगा तो हम बाहर ज रहेंगे ना जी। अरे नहीं 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 अंदर आ जाओ। आओ बैठो बैठो बस। अया रामा पनरंगा पढ़ लगी रे। बस बस ना तू लगा तो नहीं। नहीं नहीं सब ठीक था। हाँ जी हाँ जी। साहब तुम पहली बार हमारे घर पर आए, क्या पिएगा? क्या पिएगा? पॉल विंडू माँ। अब तो पॉल चिपकली पिएगा? ची 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 चिपकली नहीं जी, हमारा मद्रास में पॉल दूध को बोलता है जी। अरे देवा, हमारे मराठी में पॉल मतलब चिपकली। ये सब भाषा का गड़बड़ है जी। मद्रासी मराठी अम्मा आता आंटे। शक्कर वाला है। शक्कर का क्या जरूरत है जी? तुम्हारा हाथ में इतना मिट्टा है जी कि दूध खुद ब खुद मिट्टा हो जाता है। पियो ना। पियो? पियो ना। पियो? अरे मैं पीना। पीता है जी। पीता है। सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं था। सुबह से चबड़ 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 खाते अनि बोलते कुछ खाया पिया नहीं था। ए छोकरी, ये छोकरा कौन है? यहाँ का एक वो आया गिरायक है, केला लेने आया है। ओह केला लेने? पर अपने पास तो खाली 3 दर्जन है। अच्छा सब लेगा ना तो मैं कम भाव लगाएगी। 3 दर्जन केला 9 रुपए में। दालिल हाँ पकड़ो, मैं अभी आती है। 3 दर्जन 9 रुपए क्या गड़बड़ है जी? केला केला ले जी। पैसा निकालो। पैसा कैसे निकालेंगे? हमारा हाथ पर इधर से निकाला जी। इधर से? अरे उधर से निकाला जी। अयो अम्मा, ये बंदर सेना तुम्हारा है क्या जी? क्या बोला? बंदर सेना? अरे बंदर तू, मेरा बाप, तेरी माँ, मेरा बच्चा लो तो क्रिकेट का खिलाड़ी है। क्यों बच्चा लो? तुम लोग क्रिकेट का खिलाड़ी है ना? हाँ। देखा? अयो अम्मा, हम कितना फंस गए जी? अरे फंस गए जी? हाय अरे मेरा गिलास भी ले गया, मेरा रुपया भी ले गया। तो अरे तू देख ना, तेरा तो रुपया गया, मेरा तो तुम किस वक्त? अगर इतना हो तो चली जाऊं? नहीं नहीं आओ। बैठो। अच्छा ये बताओ क्या पियोगी? विस्की,
और समथिंग सॉफ्ट। मैं शराब नहीं पीती। लेकिन गुंडों के साथ रहती जरूर हो। मेरा उन गुंडों से कोई वास्ता नहीं। तो फिर उनके साथ क्यों रहती हूँ? यही ना, ये मेरी एक मजबूरी है, वक्त आने पर बता दूंगी। मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर भी नहीं करता। माय फ्रेंड जॉनी वॉकर। कम कम Thumbs up for you. Okay. Ah, Johnny, my friend, तेरे बिना तो मैं सो नहीं सकता. Cheers. अरे बस बस, सोचा होगा कि मैं नशे की हालत में बेखबर सोया हुआ हूँ। हाँ, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं नशा प्रूफ हूँ क्या? क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं। ये खूबसूरत होंठ झूठ बोलने के लिए नहीं बने हैं। सीमा, मैं जानता था तुम क्या ढूंढ रही थी। वही काला कोट जिसके लिए तुम और तुम्हारे गुंडे साथी परेशान हैं? क्यों, यही बात है ना? जी हाँ। इस कोट के पीछे ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए तुम और तुम्हारे साथी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती? आखिर एक कोट के लिए तुम्हारे साथी हमारी जान क्यों लेना चाहते हैं? मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। शायद तुम ये भी कहोगी कि तुम रवि शर्मा को नहीं जानती। आप रवि शर्मा को कैसे पहचानते हैं? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम उस शैतान के चुंगल में कैसे फंसी? सच सच बताओ सीमा, उसमें तुम्हारा फायदा है। यकीन जानो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, दुश्मन नहीं। शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। बताओ सीमा, क्या बात? कोई मजबूरी है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके लिए तुम ये सारा काम रवि शर्मा के लिए कर रही हो।
सुनोगे, मेरे डैडी और रवि शर्मा में गहरी दोस्ती थी। तुम बता सकती हो तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? प्रोफेसर खुराना। व्हाट? खुराना? जी हाँ, उस कमबख्त ने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। मेरे डैडी को ये मालूम नहीं था कि वो कोई सीक्रेट एजेंट है। वो तो सिर्फ इतना जानते थे कि वो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करता है। न जाने उसने डैडी को क्या पट्टी पढ़ाई कि वो यूरेनियम को और ताकतवर बनाने का फॉर्मूला तक बनाकर देने को तैयार हो गए। यूरेनियम को ताकतवर बनाने का फॉर्मूला? हाँ। एक दिन डैडी रवि के घर गए। हेलो, हाँ मैं रवि शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ मैं रवि शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, सारा काम हो चुका है, बस एक दो दिन में मैं आपको फॉर्मूला हैंडओवर कर दूंगा। कितने? 5 करोड़। हाँ ओके। हाँ ओके, कौन से बैंक से? स्विट्जरलैंड बैंक से ना? ठीक है, अगर कैश दो तो अच्छा। देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 100% ओरिजिनल, राइट? तो मैं वो फॉर्मूला आज ही मुझसे खुराना से ले लेता हूँ। तो कल ठीक 8 बजे मैं होटल पार्क व्यू में आपका इंतजार करूंगा, ठीक है? ओके बाय। डैडी, दिन रात एक करके आपने ये फॉर्मूला तैयार किया था, अब इसे जला क्यों रहे हैं? मैं सब कुछ जला दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। देखूंगा कैसे 5 करोड़ रुपए लेता है ये कमीना। बात क्या है डैडी? ये कमीना रवि यूरेनियम का फॉर्मूला दुश्मन को बेचा है। 5 करोड़ रुपए में? ये तो सरासर गद्दारी है। बिल्कुल गद्दारी है। मैं ऐसे शख्स को देखना भी पसंद नहीं करता जो मुल्क के साथ गद्दारी करे। इस फॉर्मूले को शॉर्ट में मैंने अपनी याददाश्त से ले लिखी है, तुम इसे मेरे कोट के शोल्डर में सी देना। हेलो। हेलो प्रोफेसर खुराना। हाँ बोलो, क्या बात है? फॉर्मूला तो तैयार हो गया होगा। अब कभी तैयार नहीं होगा। कभी तैयार नहीं होगा? What do you mean? खुराना, मुझे वो फॉर्मूला चाहिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हारे बर्बाद होने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुल्क बर्बाद नहीं होना चाहिए। What nonsense? मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसमें मुल्क कैसे बर्बाद हो सकता है। 5 करोड़ रुपए कोई खैरात में नहीं देता मिस्टर रवि। ये क्यों भूल रहे हो खुराना कि इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, बराबर का हिस्सा है। मुल्क को बेचकर फायदा उठाना तुम जैसे गद्दारों का काम है, मेरा नहीं। अच्छा तो ये बात है, मैं देखता हूं इन मुल्क के वफादारों को कि ये कितने देशभक्त हैं। इतनी रात गए, कौन आ गया? दीपू, अरे ओ दीपू, ओ इतनी देर से घंटी बजाई है, दीपू मर गया है क्या? अभी तक नहीं उठा। डैडी, दीपू बोल के गया था कि लाश शो देकर घर जाएगा और फिर सुबह आएगा। अच्छा देखो कौन आया, दरवाजा खोलो। रवि अंकल आप? तेरा बाप कहाँ है? अच्छा तो तुम हो, यहाँ क्या लेने आए? फिलहाल तो तुम्हें लेने आया हूँ प्रोफेसर। ए, ले चलो इन दोनों को। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। परेशान थे हो इसे? उंगली की जरा सी हरकत तुम्हारी खोपड़ी उड़ाने के लिए काफी है। तुम चाहते क्या? वो भी बता देंगे। फिलहाल तुम मेरे साथ चुपचाप चले चलो, लेकिन जरा सी भी होशियारी दिखाई तो कल का सूरज ना तो तुम देख पाओगे और ना ही तुम्हारी ये खूबसूरत बेटी। ए, ले चलो इन दोनों को हमारे बॉम्बे हेड। नहीं, नहीं, डैडी। प्रोफेसर, तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? ये जिद नहीं,
सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई ईमानदारी? प्रोफेसर, मैंने बड़े बड़े ईमानदारों की ईमानदारी देखी है, अब तुम्हारी भी ईमानदारी देखनी है। सीमा को लाओ, आइए। अंकल, अंकल प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज। मेरी तुम्हारे डैडी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, सिर्फ इतना बता दो कि वो फॉर्मूला कहाँ है। फॉर्मूला? नहीं सीमा, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस कमीने को कुछ नहीं बताना। मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ। सीमा, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, अगर तुमने फॉर्मूले का पता नहीं बताया तो तुम्हारे पूज्य पिताजी का पता इस दुनिया से नहीं चलेगा। 1, 2, 3, 4। रुक जाइए, रुक जाइए, मैं बताती हूँ। तो फिर बता दो कहाँ है फॉर्मूला। पहले वादा कीजिए, फॉर्मूला मिलने के बाद डैडी को छोड़ देंगे। बेटे, तुम्हें अपने अंकल पर भरोसा नहीं? अरे तुम्हारे डैडी तो मेरे यहाँ मेहमान हैं। तुम मुझे फॉर्मूला ला कर दे दो, मैं तुम्हारे डैडी को छोड़ दूंगा। डैडी ने फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिखकर अपने कोट में छुपा रखा है। हाँ। वो कोट कहाँ है? दिल्ली में। जम्बू पीटर, तुम दोनों अभी इसी वक्त सीमा के साथ दिल्ली जाओगे, और तुम इन तीनों के जाने का इंतजाम करोगे, प्लेन से या ट्रेन से। मैं किसी किस्म की भी कोई देर नहीं चाहता, समझे? जाओ। जब तक सीमा वापस ना आ जाए, प्रोफेसर साहब पुरानी हवेली में हमारे खास मेहमान बनकर रहेंगे। यही मेरी मजबूरी है, जिसकी वजह से मुझे उन गुंडों के साथ रहना पड़ रहा है। घबराओ नहीं सीमा, ये मजबूरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुमको ये मालूम है कि तुम्हारे डैडी को रवि शर्मा ने कहाँ छुपा रखा है? उस दिन के बाद से अब तक मैं डैडी से नहीं मिल सकी हूँ, न जाने रवि ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है। खैर, वो जहाँ भी होंगे ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे जान की बाजी क्यों न लगा देनी पड़े। भगवान न करे आपकी जान को कुछ हो। सीमा, अब रात ज्यादा हो चुकी है, तुम आराम करो, सवेरे चली जाना। नहीं, मेरे यहाँ रुकने से न जाने वो लोग क्या समझेंगे, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। ठीक है, लेकिन बी केयरफुल। अबे ये क्या है, दिन में कुछ रात में कुछ? आइयो, दिन में हम पब्लिक का प्रॉपर्टी जी, बुट पैंट टाई, रात में हम अपना प्रॉपर्टी जी, थोड़ा माथे पे तिलक लगाना, अपना भगवान का पूजा करना, जय मुर्गा जय मुर्गा। टाई, व्हाट इज दिस? दिस टाइम तुम्हारा कमरा में मिस, ये चौकरी तुम्हारा कमरा में काय को आया था जी? किस किस किस? शट अप। पार्चिनप्पा, लड़की बड़ी मुसीबत में है। तुम सब निकम्मे हो, लानत है तुम सब पर। इतने सारे होकर भी तुम लोग 3 आदमियों को काबू नहीं कर सके, 3 आदमियों को, और क्या करोगे? बॉस, बस हमें एक मौका और दीजिए। एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए, ना जाने कितनी बार तुम लोग यही पक चुके हो और अब तक कुछ नहीं कर सके। जैसे भी हो, उन तीनों को फौरन मेरे पास पकड़ कर लाओ, देखता हूं कैसे नहीं बताते। ये काम फौरन होना चाहिए, समझे? जाओ। अरे
देवा या वक्तला कौन आला आता कौन हाय ओमी अरे सोना रे सोना रे सोना रे अरे साहब तुम्ही क्या केला लेने आया है अयो आज कुछ लेने को नहीं जी कुछ देने को आया है जी क्या अब पहले ये बताओ तुम्हारा वो रोड रोलर घर के अंदर है कि बाहर है जी रोड का रोलर मंजी अयो तुम्हारा अम्मा माँ किधर है जी माँ जी आई वो मर गई है अयो आज मर गया जी अम्मा मर गया अम्मा अरे वो मर कहाँ गया मार्केट गए बाजार ऐसा बोलो ना जी मार्केट गए हाँ अच्छा वो तुम्हारे अम्मा का बांदर सेना किधर है जी वो हमारे क्रिकेट टीम हाँ वो बाहर खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है बुला नहीं 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 बस कर कह रहे तुम इतना घबरता क्यों है जब तुम शादी बनाएगा तरकाय बच्चा नहीं बनाएगा क्या शादी जरूर बनाएगा जी लेकिन फैमिली प्लानिंग के साथ एक दो बच्चे होते हैं घर में अच्छे दारू पी के पूरा क्रिकेट का टीम नहीं बनाएगा जी जी आता इसमें क्या है हम इसलिए आया है जी संभल के रखो बहुत काम का चीज है नहीं पहले इसको खोल के दिखाओ इसमें क्या है अब खोल के भी दिखाते हैं जी उसमें क्या है अबे खोल के बताते हैं जी खुल जा समसम खुल जा समसम आँख खुल जा देखो जी देखो मेरा कुंड देखो देखो अय्या कितना अच्छा कोट है तुम इसको काय को नहीं पहनता जी तुम इसको पहनेगा तो बिल्कुल हीरो के जैसा लगेगा अयो अब भी नहीं पहनेगा जी बाद में पहनेगा अभी तुम इसको संभाल के रख दो जी अच्छा तुम सांगता है तो हम इसको रखता है मजन ना ये ना पाओ पता अयो लगा के क्यों बोला इला अयो मजन ना ये ना पाओ पता जी मिट मिट नानुरु முட்டாடங்க நானூறு முட்டாடங்க முட்டாடங்க ஐயோ காப்பாங்க ஐயோ குட் மார்னிங் சார் சார் இத்தனை கத்தர்நாக ஜக ஆப் ஹம்கோ யா க்யூ லாயா சார் आज तुम्हारी यहाँ पार्टी है पार्टी वेरी गुड सर थैंक यू वांगा वांगा आओ जी अच्छे हो तुम सब लोग आ गए साहब ने आज हम सबको पार्टी दिया है जी खूब दबा के खाएंगे साहब ये पार्टी आपके बर्थडे की खुशी में है या आपके डैडी की शादी की खुशी में बेटे ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि भूखे कुत्तों के लिए भूखे कुत्तों के लिए लेकिन बेटे इस पार्टी में तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा बल्कि इस पार्टी में तुम्हारा गोश्त खाया जाएगा अयो पीछे मुड़ के देखो ये खतरनाक अंकल है जी हाँ बेटे ये सारे अंकल बड़े खतरनाक हैं ये सब तुम्हारा गोश्त नोच नोच कर खा लेंगे अगर तुमने नहीं बताया क्या बताना साहब क्या बताना जी अब शराफत से ये बता दो कि वो काला कोट कहाँ है काला कोट साहब अगर हम बता देगा तो फिर तो मैं तुम्हें ऐसी शानदार पार्टी दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे अयो सच बिल्कुल सच अब जल्दी से ये बता दो कि वो काला कोट कहाँ मिलेगा अब बताएगा जी सर इधर से सीधा ग्रैनोड जाना जी गारंटेड और उसके बाद लेफ्ट टर्न करना जी और फिर राइट टर्न करना जी और फिर सीधा जाना जी उधर आपको पतला गली मिलेगा छोटा सा गली उसके अंदर आपको हर टाइप का कोट मिलेगा जी लाल कोट काला कोट ग्रीन कोट सफेद कोट ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो काय को गुस्सा करता है जी गुस्सा न तो करो जी इससे भी सस्ता मांगता है तो चोर बाजार में मिलेगा जी मजाक अच्छा कर लेते हो लेकिन अच्छे बच्चे अपने डैडी से मजाक नहीं करते ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा भी पड़ सकता है दादा
अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो शराफत से ये बता दो कि वो काला कोट कहाँ है। अरे शेख, अपन ने कभी कोट पहने नहीं, अपन को क्या मालूम कोट क्या होता है, अपन पैंट और शर्ट पहनता है। तुम्हारी सूरत देखकर भी यही लगता है कि तुम नहीं बताओ। देखता हूं कब तक नहीं बताते, मैं तुमसे उगलवा कर ही रहूंगा। याद रखो, अगर मुझे वो काला कोट नहीं मिला तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अयो, पाताल में गिर गए जी, कमर टूट गए जी, बहुत ऊपर से गिरा जी। बताओ कोट किधर है, बता कोट किधर है। कोट इधर ही से रखा था, मालूम नहीं कहाँ गया। मजाक करता है क्या? पार्टी के अरे बाप रे, क्या रे? साला लोग सब लंबा हो गया, अब अपन लोग यहाँ से निकलेगा कैसे? यही तो मैं भी ढूंढ रहा था। अयो, हम सब जगह ढूंढा जी, एवरीथिंग इज पैक्ड। अयो रामा, हम इधर से कैसे निकलेगा जी, हम कैसे निकलेगा? सीमा तुम यहाँ? खामोश, चलो यहाँ से। किधर जाना जी? चलो चल चल। अयो चलो उठो चाहती हो, जब देखो मारा मारी करते रहते हैं, मालिश करने मजा आया ना? अरे अपन को तो मजा आ गया, पर इन दोनों की खटिया खड़ी हो गई। चलो चाय लाओ, चाय चलो। आप दर्द कैसा है? ठीक है। लो गरम गरम चाय पी लो, आराम आ जाएगा। अरे मुसीबत,
क्या मालिश कर रहा है? अरे गरम गरम तेल डाल। अयो अम्मा, गरम गरम तेल डालने को नक तो बोलो जी। ये गरम गरम तेल डाल के माटी मिला मेरा तेल निकालता है जी। ये मुसीबत मेरे लिए मुसीबत है जी। चाय पियो। चलो जी, पहले ये लेना पिच्चू चाय पीना, पहले ऊपर चाय। अब नीचे चाय दो जी। चाय पियो। चाय रे। अपन का एक आइडिया है। क्या? कुछ दिनों के लिए तुम लोग छुप जाओ। लेकिन क्यों? अरे गुंडा लोग तुम लोग को ढूंढेगा ढूंढेगा, तुम लोग नहीं मिलेगा वो लोग ठंडा हो जाएगा। अयो दादा, हम छुपने के वास्ते किधर जाएंगे जी? हम तो बम्बई घूमने को आया था। हाँ, एक आइडिया है जी, छुपने के वास्ते दिल्ली बेस्ट प्लेस, कुतुब मीनार के पीछे जाके छुप जाएगा। चिनप्पा, कभी तो सीरियस रहा करो। अयो हम सीरियस, हमारा बाप सीरियस, हमारी माँ सीरियस, हमारा गर्लफ्रेंड भी सीरियस जी। इससे पहले के दुश्मन को दूसरा प्लान बनाए, तुम लोग कुछ दिनों के लिए खंडाला चले जाओ, वहाँ तुम लोगों के रहने का अपन बंदोबस्त कर देगा। ठीक है। मुसीबत जी दादा, तुम बस्ती पे कड़ी नजर रखना, जो नवा आदमी दिखे मुझे खबर करना। समझ गया दादा। जेठा जी, वो लोग कैसे भाग गए? बॉस, वो लोग खुफिया रास्ते से भाग गए। खुफिया रास्ता? उन्हें कैसे मालूम हुआ किसने बताया कि खुफिया रास्ता है? जरूर हमारे आदमियों में से कोई मिला हुआ है। मालूम करो कि कौन है जिसने हमारे साथ ये गद्दारी की है। ऐसे गद्दार को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या खबर लाया हो शेरू? वो लोग होटल छोड़कर चले गए। होटल छोड़कर चले गए, लेकिन शहर छोड़कर नहीं गए होंगे। जाओ और बंबई के सारे होटलों में उन्हें ढूंढो। मगर बॉस, उन लोगों को सारे होटलों में ढूंढा, वो लोग नहीं मिले। नहीं मिले? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मालूम नहीं बॉस। मालूम नहीं बॉस, निकम में। और वो लंबू दादा कहाँ है? वो बस्ती में है भी या नहीं? वो अपनी बस्ती में है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि दादा को कोर्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम, और वो काला कोट अब तक उन्हीं दोनों में से किसी के पास है। मत मारो इसे, मेरी कसम। साला फिर कभी चोट करेगा? साला उधर तेरी माँ गांव में भूखा मरता और तू इधर जुआ खेलता है। कौन सा बुरा काम है साला? नहीं दादा, नहीं, अब से सब बुरे काम छोड़ देगा, मैं इसका जिम्मा लेती हूँ। जाहिल साला, नाइट स्कूल में डाला था, वहाँ से भी भाग गया। सोचा था पढ़ेला लिखा होगा, किसी अच्छे धंधे में लगा देगा, पर साला मानता काहे को? अपन तो स्कूल गया था दादा, लेकिन टीचर ने बिठाया नहीं। चुप, झूठा। अरे अपन को देखो साला, अपन दारू पीता नहीं, जुआ खेलता नहीं, अपन बाजार जाता नहीं। अरे अपन की किस्से में माल होता, अपन गरीब की शादी बना देता है, गरीबों की मदद कर देता है, फिर भी साला दुनिया अपन को बुरा बोलता है। अरे साला, तू तो सर से पैर तक के बुरा है, तेरे को दुनिया क्या नहीं बोलेगी। समझ गया दादा, अब कोई बुरा काम करेगा तो जान से मार डालना। जान से मार डालना, भाग यहाँ से। साला आपकी सुना ना, सचमुच जान से मार डालूंगा, ले जाओ इसे। चलो। दिंग 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 दिंग। अरे मुसीबत, कोई नई मुसीबत लाए क्या? बोल बोल क्या है? दादा दादा, वो सीमा आई है। सीमा, कैसे आना हुआ? मैं आपसे पूछने आई हूँ कि सुनील कहाँ है। क्यों, क्या बात है? कहीं उनको कुछ हुआ तो नहीं? कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन
सुनील से एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं आपसे पता मांगने आई हूँ। क्यों, उन लोगों का पता मालूम करके कोई नई मुसीबत में डालने तो नहीं आई हो? ये आप क्या कह रहे हैं, मैं सुनील को मुसीबत में डालूंगी? जब से उसकी मुलाकात तुम्हारे साथ हुई, कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। ये सब किस्मत का चक्कर है दादा, मेरी तो किस्मत ही कुछ ऐसी है, खुद तो मुसीबत में हूँ ही, दूसरे भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अरे अपन तो खाली बिली का मजाक कर रहे लता, वो लोग खंडाला गए हैं। आप पता बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डिंग डंग डिंग डिंग, चिनप्पा जी, ओ चिनप्पा जी। अयो, ये मुसीबत कहाँ से आ गया जी, जीने का बात तो अलग, ये चैन से मरने भी नहीं देगा जी। मुझे देखकर तुम इतना घबरा क्यों गए? अयो हम तो मौत को देख के घबरा गए जी। मुझे तुम मौत समझते हो? अयो अम्मा तुम नहीं जी, क्या पता तुम्हारे पिच्चू हमारा मौत हमारे पिच्चू आता हो जी। मौत से इतना घबराते हो? परवेल नहीं घबराते? नहीं नहीं। अयो अम्मा आम मौत से नहीं डरता है जी, आम मौत से बिल्कुल नहीं डरता है जी, लेकिन उसके पहले जो नाटक होता है ना जी, थपा थपा थपा, उससे डरते हैं जी। अच्छा अच्छा, ये बताओ सुनील कहाँ है? सुनील? सुनील? हाँ सुनील है। ओफो सुनील है? हाँ हाँ, वो लव स्पॉट है ना जी, लव स्पॉट। किधर? उधर। किधर उधर? उधर लव स्पॉट है ना जी, फ्रंट ऑफ माय नेकेड आई, वो उधर चुएगा। उधर? आमा आमा आमा, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ काई, बीच में मेरी जान है। सुनील तुम यहाँ कैसे आई, किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? दादा ने। तुम सचमुच मुझे मरवाना चाहती हो? ऐसा मत करो सुनील, मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूँ कि बॉस के आदमी तुम दोनों को हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम भी तो बॉस की हो। मैं बॉस की नहीं तुम्हारी हूँ, अब तुम जो चाहे समझ लो। कहाँ चली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो हटो, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। फिर कौन सा मजाक पसंद है? तुझ पे दिल मैं निवारा, रूठो न यूं मेरे यारा, ओ रूठो न यूं मेरे यारा। Thank you.
अरे दादा तुम? हाँ सीमा मिली? दूसरे कमरे में बैठी है। पर तुमसे एक बात पूछनी है। बोलो। अपन का तजुर्बा बताता है वो लड़की तेरे से प्यार करती है और वो परेशान बहुत मालूम होती है, अपने को इसका आइडिया नहीं। मैं जानता हूँ, उसका बाप रवि शर्मा के कैद में है। हाँ, हाँ। तब तो परेशान होना ही चाहिए। बिल्कुल, चलो। नमस्ते। तुम यहाँ पहुँच गई? आप अगर पता नहीं बताते तो कैसे पहुँच पाती? वैसा है सुनील मुकद्दर वाला, साला अपन ही पसड्डी निकले। पसड्डी क्यों दादा, तुम्हारी नंदी जो है। अरे यार आहिस्ता बोलो। अयो हल्लू बोलो या जोर से बोलो जी, तोबड़े के ऊपर सब नजर आ जाता। पर आज तू बहुत चहक रेला, क्या बात है? तेरे केले वाले का क्या हुआ, उसका नाम क्या है? उसका नाम सोनिया है जी। अब तक कुछ नहीं हुआ जी। मतलब? मतलब ये जी कि जब कभी दिल की बात करने का मौका मिलता है तो कोई ना कोई पक्का वो मैंगो के माफिक बीच में टपक जाता है जी, और जब कभी लाइन क्लियर मिलता तो प्यार के बात सुनने के पहले अक्का केला मेरा मुंह में डाल देता। केला मैं अकेला। अरे फोकट में केला खाने को मिलता है, और क्या चाहिए? फोकट में नहीं जी, कान पकड़ के पैसा वसूल कर लेता है जी। कान पकड़ के? कान पकड़ के वसूल करता, समझो प्यार हो गया। प्यार हो गया जी, प्यार करार हो गया। अयो दादा मेरा अंजर पंजर, अयो ऐसा प्यार नको जी, नको। हेलो मिस्टर अलेक्जेंडर, बॉस आपका फोन। हेलो मिस्टर अलेक्जेंडर। यस। आप बोलो क्या बात है? तुम्हारे फॉर्मूला का क्या हुआ? बस दो या तीन दिन में मिल जाएगा। व्हाट? अनदर टू थ्री डेज? ये तुम कितने दिन से बोल रहा और आज तक वो फॉर्मूला नहीं मिला, और मेरा सुपीरियर रोज मुझसे डिमांड कर रहा है। मिस्टर अलेक्जेंडर आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द डिले। जहां आपने इतना वेट किया है वहां दो तीन दिन और कर लीजिए। ओके, वन वीक। हम तुमको एक हफ्ता देता है,
लेकिन अगर उसे एक हफ्ते के अंदर हमको फॉर्मूला नहीं मिला तो हम तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारे गवर्नमेंट को एक्सपोज करेगा, और जो 25 लाख रुपए एडवांस दिया था वो आपको वापस देना होगा, समझे? नहीं मिस्टर अलेक्जेंडर, ऐसा मत करना, हम तबाह हो जाएगा, हम कहीं का नहीं रहेगा। ओके, आई प्रॉमिस यू, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको फॉर्मूला ला कर देगा। ऑल राइट, आई वेट फॉर 1 week। सीमा कहाँ है? वो तो ये बोलकर गई है वो उन दोनों को तलाश कर ही लाएगी। अब तक क्यों नहीं आई? जाओ और उसे तलाश करो, शहर का कोना कोना छान मारो। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर फॉर्मूला नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उसे तलाश करो। लेकिन वो कोट है कहां? अयो अम्मा, वो हमारी वो है ना, हमारी केले वाली, वो कोट हमने उसके यहाँ रख दिया है जी। What nonsense! इतना कीमती कोट उस केले वाली के पास रखने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ हो गया तो? इसने जिंदगी में बस एक ही अकलमंदी का काम किया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोट केले वाली के यहाँ रखा हुआ है। अगर वो कोट नहीं मिला तो रवि मेरे डैडी को मार डालेगा। दिल छोटा मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलकर तुम्हारे डैडी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ माँ, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं जी, डैडी को ढूंढ के निकालेंगे जी। आयो अम्मा, माता जी नमस्कार जी। अरे मेलिया, मैं तुझे माता जी दिखती हूँ? अरे मेरा नाम है माया, माया समझे, सारी दुनिया मुझे माया कहती है, मेरा पति भी मुझे माया कहता है, तू भी मुझे माया कहा कर, समझे? अयो अप्पा, अम्मा हम तुमको माया कैसे बोलेगा जी? क्यों? क्या हम तुम्हारा पति है क्या जी? अरे मेलिया, तूने अपना थोबड़ा देखा है आईने में? तू मेरा पति बनेगा, सत्यानाश हो तेरा। अरे मेरा पति तो महादेव है, महादेव। कौन है तू? ये अरे नाव का है तुझे जी? नाव का तेरा नाम क्या? चिन्नप्पा जी। वो अरे मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। अयो चीपो नहीं जी, चिन्नप्पा। समझ गया, तू अयो अयो में से है। नहीं 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 नहीं, ये कौन है? टाइ, हमने क्या तुझे इसी काम के लिए भेजा था? अबे इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े क्या बकवास कर रहे लाए? अयो काय को गुस्सा करते है जी, ये दोनों ने मेरे को सैंडविच बना दिया, कुछ बोलने को नहीं दिया जी। अरे काय साहब, किधर था इतने दिन, कितना ढूंढा तुमको? अयो मर गया जी, तुम भूल गए मैं तुमको काला कोट रखने को दिया था जी। हाँ वो काला कोट, ऐसे बोलना मैं भी लाई। ए आई, इसमें काला कोट रखा था, कुटे गेला? मेरी को क्या मालूम, मैंने नहीं देखा, तू बच्चों को पूछ। इन पेटियों में काला कोट रखा था, तुम लोगों ने देखा? हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा, तू बता। हम काय को बताएगा, कल बाबू पहन के गया था। कोट कहाँ है? काला कोट, काला कोट। हाँ मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम।
वो किधर है बता। कोट बता दो, बता दो। क्या बताओ? अबे कोट, कोट समझ गया। ईश्वर ईश्वर में कोट किसको दिया? हाँ इसको। इसको किसको? इसको मालिक है दारू वाला, उसको दे दिया या तूने बेचकर पी लिया? पी दिया, थोड़ा ज्यादा पी दिया। पैसा नहीं था, वो भास्कर ने मेरा कोट उतार लिया। भास्कर का अड्डा किधर है? अड्डा? हाँ वो नुक्कड़ है, नुक्कड़। हाँ ऐसा जा, हाँ। और फिर ऐसा जा, हाँ। उधर। अरे उधर इधर उधर क्या? अरे बाबा जाते वक्त बराबर जाता हूँ, आते वक्त कैसे आता हूँ खुद को पता नहीं। चलो चलो जाओ, मुंह देख रहे बात ये है कि बात कुछ नहीं, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं। चलो अरे 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 और क्या मांगता है? कुछ है तुम रे, कुछ है बे, कुछ मांगता है? इधर का खोला है ही बोलो। तो अंदर आओ, बड़ा साहब लोग के लिए स्पेशल रूम घुस जाओ। अरे काय को डरता है? आओ गाँव मत डरो, थोड़ा सा मारने का, उसमें क्या डरता है? अरे इधर काय को खोला है? अंदर आओ ना, आओ ना, देखो तुम्हारा वास्ते स्पेशल चीज, बैठो ना, बैठो ना। हम लोग बैठने के लिए नहीं आए। पीछू काय को ये बताओ, भास्कर कौन है? भास्कर भास्कर कौन? भास्कर भास्कर नहीं, भास्कर भास्कर पासकोर पासकोर कुछ गोड़बोड़ी है? नहीं। कुछ पुलिस का मेटोर है? नहीं 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 नहीं। फिर काय को डरता है? हम है भास्कर। हाउ डू यू डू? तुम्हारा नाम भास्कर है? ओह ये तुमको मुरलीधर ने काला कोट दिया? क्या रे, हम कोई धोबी है? हमारा वॉशिंग फैक्ट्री है, हमारा दारू का धंधा है, कैसा बात करता है? मुरलीधर कोट साला का पास पैसा नहीं, हमारा दारू मुफ्त पिया, हम भी उसका कोड ले लिया है। कितने का दारू पिया उसने? फोंदरा फोंदरा पांचे तीस तीस। ये लो तीस, कोड हमें वापस कर दो। देखो पैसा ठीक है, कोड काम को खोब और नहीं। क्या कोड कहाँ है? कोड किधर होएगा? राम प्रसाद है ना हमारा वकील, हमारा पीली डोर, हमारा केस लोड़ता है। बेचारा बहुत गरीब मोड़स है, हम उसको दान में दे दिया, हम उसको दया में दे दिया। वो होगा कहाँ? होगा किधर? उसका हाइज कौन? इधर बेवड़ा पीता है, नीचे सोता है, कोर्ट में मोड़ता होगा, हमारा केस लोड़ता है। चले ए, तुम कैसे कुछ कुछ करता है? सौर में हम कभी दारू नहीं पीते जी, सुनता है तो अपन को चल जाते हैं। रहेंगा कि जाएंगा? हम किला कोट जाएंगे। जाओ मरो, इसको लेके जाओ, किला कोट जाएंगे, उठा के ले जाओ। ओ गॉड, हमारा कोर्ट में अच्छा फैसला करो, हम तेरे को भी, तेरे को क्या पिलाएंगे, सबको मुफ्त पिलाएंगे। ओ गॉड हेल्प करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए अपन बे हवलदार, अपने को देखना, संभालना यार, हाँ लफड़ा नहीं कर देना वहाँ पर। क्या बात? अरे भाई यस हाँ यार, आज तो अपना केस है ना यार। ओ गॉड अच्छा हुआ अपन इधर आ गया, नहीं तो। ओ भाई साहब वकील भी नहीं आया। जी साहब आप बता सकते हैं राम प्रसाद वकील कहाँ मिलेगा? राम प्रसाद रूम नंबर 65 में उनका हियरिंग चल रहा है। चलो वहीं चलते हैं। चलो जी चलो चलो। तुम्हें मालूम है कि राम प्रसाद वकील कहाँ मिलेगा? वो रे राम प्रसाद वकील। वकील साहब। कौन है आप? एक सेकंड है। आप तो बहुत सुंदर हैं। आपने मुझसे कुछ कहा? मुझे आपसे ही काम था। मुझसे काम है? क्या काम है? कोई केस है? जी हाँ, मुझे तलाक लेनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी हुई थी ना? शादी तो हुई थी, शादी के बगैर तलाक कैसे हो सकती है? अरे भाई आजकल साइंस का जमाना है, सब कुछ हो सकता है। बिना बाप के बच्चे पैदा होने लगे हैं, लेकिन तुम भी ठीक कहती हो, तलाक नहीं लोगी तो शादी कैसे होगी? आई एम सॉरी, शादी पहले तलाक बाद में, समझ गया? शादी के बाद तलाक, तुम तलाक लोगी
किससे लोगी? अपने पति से। तुम्हारा पति भी है? है क्यों नहीं। अच्छा आओ मेरे साथ मेरे ऑफिस में, आराम से सोकर बातें करेंगे। मेरा मतलब है बैठकर बातें करेंगे। आइए आइए। बोलो क्या करता है तुम्हारा पति? बहुत मारता है। कहाँ हो तुम? बहुत मारता है? कैसे मारता है? डंडे से या हाथ से? हाथ से मारता है और गाली भी देता है। गाली भी देता है? हाँ। कैसी गाली देता है? गाली भी देता है। से मारता है गंदी गंदी गाली। गंदी लेता लेता देता गाली देता है। बेटा बहुत बुरी बुरी बहुत बुरी बुरी गाली देता है। और कुछ नहीं करता। कैसे कुछ नहीं करता? वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। क्या हुआ वकील साहब? ये कंबक बेवक्त की खुजली कहाँ से शुरू हो गई? वकील साहब आप अपनी खुजली मिटाइए, मैं फिर कभी आऊंगी। अरे 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 कहाँ हो तुम? अरे ठहरो जरा, तुम चली गई? अरे मर गया। आओ डॉली। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि मुझे याद किया जा रहा है? डॉली एक तुम ही तो जो मेरे जख्मों पर मरहम रख सकती हो। जो खुद ही जख्मों से चूर हो वो क्या मरहम रख सकती है? डॉली आज मैं बहुत परेशान हूं। इतना परेशान तो मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ। परेशानी तो तुम्हारे माथे का पसीना है, माथा झटक दो दूर हो जाएगी। अलेक्जेंडर ने मुझे एक हफ्ते की मोहलत दी है। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे फॉर्मूला नहीं दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। तबाह करने वालों को कौन तबाह कर सकता है? क्या मतलब? तुमने तो बड़े बड़ों को तबाही के समंदर में धकेल दिया है। ये अलेक्जेंडर किस खेत की मूली है? तुम नहीं जानती डॉली की अलेक्जेंडर कितना खतरनाक इंसान है। तो फिर उसका एडवांस वापस कर दो। एडवांस वापस करने से मुसीबत टल सकती तो कब कर दिया होता, लेकिन ये कमबख्त अलेक्जेंडर मेरे सारे सीक्रेट्स जानता है और फॉर्मूला ना मिलने की सूरत में ये मेरे सारे सीक्रेट्स गवर्नमेंट को बता देगा। इससे पहले कि वो तुम्हें एक्सपोज कर दे तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। भगवान ने तुम्हें बहुत दौलत दी है, जिंदगी भर दोनों हाथों से लुटाओगे तब भी कम नहीं होगी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम मुझे उल्टे सीधे मशवरे दो। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन, और क्या मेरी मेहरबानियों का यही बदला है? जी हाँ, बड़ी मेहरबानियां की हैं आपने मुझ पर। एहसान फरामोश, कल तक तू एक एक पैसे को तरस रही थी, आज लाखों में खेल रही है, किसकी बदौलत? मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, एक पत्थर को हीरा बनाकर सारी दुनिया के सामने पेश किया। मेरी मेहरबानियों का तू मुझे यही सिला दे रही है? जी हाँ, एक गोली भाली शरीफ लड़की को अपनी बीवी बनाने का फरेब देकर
उसे होटल के डांसर बना दिया, उसकी इज्जत और उसकी गैरत को सारे बाजार नीलाम किया, अपनी हवस की भट्टी में उसकी फूल सी जिंदगी झोंक कर जहन्नम बना दिया। वाह क्या खूबसूरत एहसान किया। खामोश, अब एक लफ्ज भी कहा तो तेरी जबान खींच लूंगा। एहसान फरामोश। मिस्टर रवि, एहसान तो मैंने किए हैं तुम पर, अपनी आबरू का सौदा करके, अपनी जमीर का खून करके तुम्हारे हर इशारों पे नाचती रही हूँ मैं। तुमने मुझे मोहरा बनाकर हर जगह इस्तेमाल किया, मैंने उफ तक नहीं की। आज ये दौलत, ये शान और शौकत सब मेरी वजह से है मिस्टर रवि। एहसान फरामोश मैं नहीं, तुम हो तुम। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, ऐसा ना हो कि मैं तेरा गला घोट दूं। अगर मेरा गला घोटने से सच्चाई की आवाज दब सकती है तो घोट दो मेरा गला, निकाल लो अपनी हसरत। चिन्नप्पा, फॉर्मूला कहाँ है? वो तो इसी में था। चिन्नप्पा, फॉर्मूले को तुमने कोर्ट में सी दिया था कि नहीं? अबे सोचता क्या है बताना। नहीं, क्यों? हमने उस फॉर्मूले की जगह ब्लैंक पेपर रख दिया था जी। और वो फॉर्मूला कहाँ है? हमको नहीं मालूम। तेरे को नहीं मालूम तो किसको मालूम? वो किधर तो भी गुम हो गया, लॉस्ट हो गया। गुम हो गया कैसे? हमने वो फॉर्मूला पर्स में रखा था जी। और वो पर्स? बताना। वो पर्स किसने मार दिया जी? होली शिट, तूने सब चौपट कर दिया। तेरी उल्टी सीधी हरकतों ने मेरा सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अरे अपन को हैरत है, तुम लोग पुलिस का आदमी हो के इतना बड़ा मिस्टेक कैसे किया? अरे उसको तो अपने जान से जाती संभाल के रखना चाहिए था। इस उल्लू के पट्टे को किसने पुलिस में भर्ती किया? नॉट मी। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया तो था कि सब ठीक हो जाएगा। इसे बताना कहते हैं क्या? तुम्हारे डैडी के किडनैपिंग के सिलसिले में मैं ही दिल्ली से बॉम्बे आया था। अब तो ये पता करना है कि तुम्हारे डैडी को रवि शर्मा ने कहां छुपा रखा है। मेरा तो ख्याल है डैडी को उसी तहखाने में छुपा रखा है। हो सकता है, मगर डैडी को अब छुड़ाएंगे कैसे? फॉर्मूला तो गायब हो चुका है। फॉर्मूला तो मैं वैसे भी रवि शर्मा को देने वाला नहीं था। तुम्हारा पैकेट कहीं समंदर के किनारे तो नहीं मारा गया था? अयो मुर्गा, अम्मा उधर ही मारा गया था जी। फिर घबराने की कोई बात नहीं, फॉर्मूला मिल गया। दादा तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक पैकेट दिया था, उसमें एक कागज का टुकड़ा था, पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिखा था। वो पैकेट चिन्नप्पा का है। हाँ याद आया, वो पैकेट जो तूने मुझे भागे में दिया था। हाँ हाँ, तो फिर वो पैकेट अपन के खोली में है। अयो दादा ग्रेट। ये क्या हो रहा है? रवि को धोखा देने के लिए। कोर्ट मिलने पर वो इस फॉर्मूले को असली फॉर्मूला समझेगा। प्लान तो अच्छा है। वो तो मैं जानता हूँ। चिन्नप्पा, तुम इस फॉर्मूले को इस कोर्ट में सी दो। हाँ, तुम इसके साथ जाओ। अच्छा स्वामी, फर्स्ट नो ट्रस्ट, सेकंड यू मस्ट ट्रस्ट। आप ऐसा गलती नहीं करेगा स्वामी। चलो जी, अम्मा आजी। चलो ट्रस्ट ट्रस्ट आजी अम्मा। काम कैसे शुरू किया जाए? चलो बीड़ो, वो साले बॉस की अभी धुलाई किए देते हैं। जो काम भी करना हो सोच समझ कर करना, ताकि अपना काम भी निकल जाए और बॉस को भी ना पता चले। right. आज तारीख क्या है? 25 नवंबर। 25 नवंबर, 26 नवंबर के दिन रवि शर्मा अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाता है और उस दिन वहाँ नाच गाने की महफिल भी जमती है। ठीक है, तुम कोर्ट को बॉस के बर्थडे पर तोहफे में देना। चिन्नप्पा, नंदी और सोनिया नाचने गाने वालों के भेष में वहाँ पहुँचेंगे। इधर सब एंजॉय करते होंगे, उधर मैं और दादा तुम्हारे डैडी को तलाश करके उन्हें छुड़ा लेंगे। क्यों, ठीक है? ओके ठीक है। आओ सीमा, इतने दिन से कहाँ थी, काम हुआ या नहीं?
ये रहा मेरी तरफ से बर्थडे प्रेजेंट, खोल के तो देखिए। Wonderful! Seema, you're great! You are... ये लोग कौन है? ये लोग तो नाचने गाने वाले हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तो फिर देर किस बात की है? हमारी सालगिरह और फॉर्मूला मिलने की खुशी में जश्न हो जाए। वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। जरूर पूरा करेंगे, इन सबको इनाम भी देंगे। आज तुम सबने हमारा बहुत दिल बहलाया है। जग्गा, यस बॉस। इस खुशी के मौके पर सीमा देवी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर।
इन्हें लाल पहाड़ी ले जाओ और बंद कर दो। अयो हम नाचू लगाने वाला जी, ये धोखा है, हमको छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो। प्रोफेसर खुराना, मेरा नाम खुराना है, मैं आप कौन है? आई एम सीबी ऑफिसर। बातों में काहे को टाइम पास कर रहे ले भीड़, जल्दी चलो ले तो वांदा हो जाएगा। सर साहब तुम जल्दी यहाँ से होटल पैलेस निकल जाओ। मेरी बेटी सीमा कहाँ है? सीमा वही मिल जाएगी। बॉस, बॉस, बॉस। क्या बात है? प्रोफेसर खुराना हवेली में नहीं है। हवेली में नहीं है? हाँ। कहाँ गए? मालूम होता है उसे कोई छुड़ा के ले गया और हमारे दो आदमी भी मारे गए। यार अपना बॉस तो बड़ा 420 निकला। बेचारी सीमा को तो गिरफ्तार किया था ही, साथ में नाचने गाने वालों को भी पकड़कर लाल पहाड़ी पर भेज दिया। बोल लाल पहाड़ी कहाँ है? बोल गया मालूम। अबे पुतनिया के बताता है कि कुत्ते में तू? बताता हूँ बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर एक पुल है, पुल के उस पर लाल पहाड़ी। कहीं बंडल तो नहीं फेंक रहा है? नहीं मैं बाप, मैं सच कह रहा हूँ। भिड़ो ये सच बोल रहा है। आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद। लगता है हमारी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है। सीमा ने हमारे जन्मदिन के मौके पर एक नायाब तोहफा हमें ला कर दिया है। वो क्या? वही फॉर्मूला जिसके लिए हम आज तक परेशान थे और जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। सीमा कहाँ है? सीमा और उसकी मंडली को हमने लाल पहाड़ी की हवेली में कैद कर रखा है और ठीक 4 बजे वो हवेली ब्लास्ट हो जाएगी। तुम बड़े मतलबी इंसान हो, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं देखा और अब देखोगी भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हर वो चीज जो मेरे लिए गैर जरूरी है उसे मैं खत्म कर देता हूँ। अब तुम भी मेरे लिए गैर जरूरी हो। आ, 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 आ,
अपनी मौत का इंतजार करो। ठीक 4 बजे डैन की धज्जियां उड़ जाएंगी और साथ में तुम सब की। जाओ। आइयो अम्मा, अम्मा खोलो मेरे को।